मम्मी क्या बात है, क्या खफा है मुझसे? तुम जो हरकतें करते फिरते हो उसके बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं नाराज हूँ तुमसे। मुझे तो ऐसा लगता है अफान कि तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। मम्मी महरोज भाई भी आपके बेटे थे और शायद उन्हीं की बीवी के साथ आपने बहुत बुरा सलूक रखा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आता? हरकतें देखी हैं तुमने उसकी। क्या करती फिर उन्हें? मैंने खुद देखा है उन्हें कि उन्होंने अपनी इद्दत किस तरह से गुजारी है। ना किसी से कोई बात करनी, ना कोई शिकायत करनी, बस खामोशी से उन्होंने वक्त गुजारा है। उसके बाद भी आपको उनसे शिकायत है? अपनी मनमानी करती है, चलाती है अपनी, मेरे हुक्म को रद्द करने की हिम्मत करती है, दूसरों को शह देती है वो। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हक का इस्तेमाल करती हैं, जो अगर महरोज भाई जिंदा होते तो उन्हें देते। ये घर उनका भी है, उनका पूरा हक बनता है कि वो जिंदगी वैसे ही गुजारे जैसे हम सब गुजारते हैं यहाँ पे। अफान तुमने फिर बहस शुरू कर दी मुझसे उस लड़की के लिए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर रखा है। कोई जादू नहीं किया हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि जब आप अपने बेटे के मिजाज को जानती फिर भी इस तरह की बात कर रही हैं। मैं किसी की भी हक तल्फी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ हाँ, इस घर में तो सबकी हक तल्फी मैं ही करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप अपना मूड खराब मत करें। मैं वैसे भी आपको यहाँ पे कुछ बताने आया था, एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने यूनिवर्सिटी क्लियर कर ली है, वो भी बहुत अच्छी जीपीए से। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी बड़ी खबर और इतनी देर से सुना रहे हो तुम मुझे। हाँ अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, जिंदगी के हर इम्तिहान में हमेशा कामयाब रहो। मम्मी ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आपसे। अच्छी तरह से समझती हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? जो मुझे चाहिए क्या आप वो मुझे दे सकेंगी? सोचूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी सोच के बताऊंगा। वैसे आज मैं एक डिनर गेट टुगेदर रख रहा हूँ अपनी सेलिब्रेशन में, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लूं। दोस्त क्यों, सिद्रा कहो ना। तो अच्छा है ना, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी उससे। लेकिन प्लीज जरा दिल बड़ा रख के उससे मुलाकात करेगा। भाई मुझे कोई शौक नहीं ऐसी लड़कियों से मिलने का जो लड़कों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। देखिए मम्मी, सिद्रा ऐसी नहीं है, वो बहुत अलग है दूसरों से। तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, फिर जो मांगोगे मिलेगा।